जनता के बीच में रहकर किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, जो नौजवानों की लड़ाई लड़ते हैं, जो हर रोज़ जनता की तमाम उन समस्याओं के साथ में ये साबित करते हैं कि वो जनता के बीच के लोग हैं, वही आगे बढ़ते हैं। हमेशा कहा जा रहा है कि जो अगर कोई जब तक कोई गांधी सरनेम के साथ नहीं होगा तब तक वो कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं कर सकता। अब ऐसा समय आ गया कांग्रेस में। मेरे ख्याल से इस बात को लंबी बात हो जाएगी। जिस तरफ वो गुजरात का चुनाव घुमाना चाहते हैं हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं गुजरात का चुनाव 31 लाख नौजवान जो बेरोजगार है उसकी समस्याओं पर जाए। हम चाहते हैं गुजरात का चुनाव जो किसान, जो 10,000 किसान ने जो आत्महत्याएं की हैं वो उस पर जाए। हम चाहते हैं कि कपास के दाम और जो है वहाँ पर मूँगफली के दाम उस पर जाए। हम चाहते हैं कि गुजरात का जो चुनाव है जिस तरह से वहाँ पर जो हालात आज हो गए हैं कि पूरी शिक्षा गरीब से दूर होती चली जा रही है, गरीब व्यक्ति को वंचित किया जा रहा है कि वो शिक्षा ना ले, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन जो इवन हाई स्कूल तक जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन में चले गए हैं, तो हम उस पर चुनाव। राहुल गांधी जी ने अभी नॉमिनेट किया, नॉमिनेशन भरा है, ये डिपेंड करता है स्क्रूटनी के बाद। नया दौर आएगा कांग्रेस में राहुल गांधी की अध्यक्षता में।